प्रश्न हमारे पास आया है कि निम्बार्क का क्या मतलब है, निम्बार्क का अर्थ क्या है जी। पहले तो इसका एक शाब्दिक अर्थ लेंगे। निम्बार्क शब्द जो बना है निम्ब प्लस अर्क से बना है। निम्ब मतलब निम्ब का पेड़ और अर्क सूर्य को बोलते हैं। तो सूर्य भगवान के द्वादश नामों में एक नाम है अर्क। अर्क और नीम को निम्ब भी कहते हैं, नीम या नीम, निम्ब जिसकी दत्न करते हैं हम लोग, कड़वा होता है। शुद्ध शब्द में निम्ब है, निम्ब है संस्कृत में, हिंदी में नीम और इंग्लिश में निम्ब। तो निम्ब को जब हम अर्क से उसमें प्लस धन अर्क कर दें, सूर्य का नाम निम्ब प्लस अर्क, तो हो गया निम्बार्क। अभी निम्ब प्लस अर्क इसका क्या अर्थ है आप बताएंगे? जी महाशय, इसके पीछे बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ी घटना है। जहाँ से इस मृत्यु लोक में हमारी गुरु परंपरा चली है जी, उन संत का नाम पहले नियमानंद था। ये सुदर्शन चक्र अवतार, यही हमारे आदि गुरु हैं इस मृत्यु लोक में जिनसे ये चली है जी। तो पहले उनका नाम जन्म से नियमानंद था, क्योंकि पिताजी को अरुण ऋषि को देव ऋषि नारद जी ने कुछ नियम दिए थे, इन नियमों को करो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। वो नियम किए, नियम से घर में संतान होगी, आनंद हो गया। तो नियम प्लस आनंद बच्चे का नाम रख दिया नियमानंद। यही नियमानंद बाद में बड़ा होकर के निम्बार्काचार्य जी कहलाए। अब बताएंगे कि नियमानंद से आपका नाम निम्बार्काचार्य क्यों पड़ा? जी महाशय, सूक्ष्म रूप से बताएंगे। सूक्ष्म रूप से यही है, एक बार ब्रह्मा जी यति के रूप में परीक्षा लेने आए थे बच्चे का, जो ये सुदर्शन नियमानंद जी का, जो वास्तव में सुदर्शन चक्र के अवतार हैं कि ऐसे ही हैं। फिर वो संध्या के समय हो गया और उसी समय भिक्षा के लिए आए, और जैसे ही अंदर से भोग लेकर आए तब तक सूर्य ढक चुका था, सूर्य अस्त हो चुका था। और यति धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन करना मना है। अब जैसे ही भोजन लेके पहुंचे नियमानंद जी तो ढक चुका था। अब बोले भाई कैसे करूं, इनका नियम नहीं तोड़वा सकता, यति का नियम भी नहीं तोड़वा सकता, अब भूखे तो जाने देना नहीं है, अब कैसे करूं। अब वो तो बेचारे ध्यान में बैठ गए, तो उस समय क्या किया इन्होंने, अपने तेज को प्रकट कर दिया। क्योंकि आप सुदर्शन चक्र अवतार थे जी, तो नींब के ऊपर उन्होंने पूरा सूर्य को दिखा दिया और पूरा प्रकाशित कर दिया, और देखा अरे यति महाराज आप कहाँ, आप संध्या के चक्कर में पड़े, आप तो देखो आँख खोल के तो देखो, अभी तो सूर्य वैसे ही जग रहा है, अभी ऐसे ही उदय हो रहा है। फिर उनको दिखाया, फिर उन्होंने कहा जे आपने निम्ब के ऊपर अर्क दिखाया, इसलिए आज से आपका नाम निम्बार्क होगा। निम्बार्क होगा, तो निम्ब प्लस अर्क, तो द्वादश नाम है सूर्य भगवान के, उनके एक नाम है अर्क, तो निम्ब के ऊपर अर्क दिखा दिया, अर्थात रात को भी दिन बना दिया आपने। और तब यतिराज को, जो ब्रह्मा जी यतिराज के रूप में आए थे परीक्षा करने, उनको भोजन कराया, तो निम्ब के ऊपर अर्क दिखाया, तब ब्रह्मा जी ने नियमानंद जी का नाम रख दिया, आज से आपका नाम होगा निम्बार्क। और महाश्री इसी घटना से एक और नाम पड़ा इनका, क्योंकि सूर्य का नाम अर्क भी है और आदित्य भी है, तो इनका एक नाम निम्बादित्य भी है। हाँ, निम्बादित्य। और नाभाजी ने उसमें लिखा है ना, निम्बादित्य आदित्य को अज्ञान जो हरिया लिखा है उसमें, कि उसमें निम्बार्क ने लिखा, निम्बादित्य कहा उसमें, और वही सूर्य 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 से आदित्य सूर्य जी जी निम्बार्क कहो या निम्बादित्य कहिए। बिल्कुल जी जी। और हमने जो टीवी चैनल बनाया है उसका नाम भी रखा निम्बार्क टीवी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो इस समय मुझको सुन रहे हैं। निम्बार्क टीवी नाम से एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर हमारे सारे कार्यक्रम लाइव आते हैं, और वैसे भी सुबह शाम हम उसमें चलते हैं, और भी महापुरुष इस टीवी में आते हैं। और ये टीवी आ रहा है जियो, जिनके यहाँ कनेक्शन है उस पर भी निम्बार्क टीवी आ रहा है, और काफ़ी केबल भी आ रहा है, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे भी निम्बार्क टीवी को देख सकते हैं। तो इन्हीं के नाम से ये हमारे आदि गुरु हैं सुदर्शन चक्र अवतार, तो इन्हीं के नाम से हमने टीवी का नाम रखा निम्बार्क टीवी। श्री राधे कृष्ण शरणम मम, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः की 5 माला करती हूँ, क्या बिना दीक्षा के इसका जाप कर सकती हूँ महाराज जी? खूब खूब सुंदर रूप से जप कर सकते हैं और जप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ठाकुर जी के नाम जुगल नाम वो तो सबके लिए अधिकार है। बिल्कुल, जब तक गुरु नहीं बनाया, जब बनाएंगे तब बना लेना, लेकिन नाम जाप अभी से शुरू करो। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्ण शरणम मम
ये प्रभु के नाम और करते करते एक दिन जो है हृदय साफ होगा और जो है गुरु और आश्रय करने की भी मन हो। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा आपकी कन्फ्यूज ना हो, मैं सबको बता देता हूँ कि आप नाम जप के नियम और गुरु मंत्र के नियम क्या है। नाम जप में तो कोई नियम है ही नहीं, मंत्रों के नियम है। तो मंत्र में नाम में अंतर का तो सुनो, जिन मंत्रों के प्रारंभ या तो प्रणव से प्रारंभ है ओम से, या फिर उसमें कोई बीज मंत्र लगा, कलीम ह्रीम श्रीम आदि बीज मंत्र लगा है, तो उसमें आए पीछे स्वा हो या नमः हो, हाँ। तो ये सब कहलाते हैं मंत्र। तो इनको पवित्र होके ही करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते नहीं। इसके सिवा जितने भी नाम हैं, चाहे वो मंत्रों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे श्री राधा कृष्णा व्याम नमः, अब देखने में तो मंत्र जैसा लगता है, लेकिन ये मंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें ना ओंकार प्रणव है और ना ही क्लिम आदि कोई बीज मंत्र है। तो इसको आप चलते फिरते उठते बैठते भी जप कर सकते हैं, ये नाम की तरह है। ऐसे श्री राधा कृष्ण शरणम मम, श्री हरि शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम, ये भी नाम की तरह है, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी करो। जैसे शिवाय नमः या नमः शिवाय, दोनों जप सकते हैं, दोनों का विधान है शास्त्रों में, दोनों को ही पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। लेकिन ओम नमः शिवाय जपोगे तो ये मंत्र हो गया। तो मंत्र आप बैठ करके अनुष्ठानिक ढंग से पवित्रता पूर्व करेंगे, और नाम जप चलते फिरते उठते बैठते। तो ओम नमः शिवाय पवित्र होकर करना चाहिए, और शिवाय नमः या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, या आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं।